ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। सीआरपीएफ जवानों द्वारा मोहनगिरी निर्गम अंचल में पानी टैंक एक्वागार्ड और सोलार लाइट बंटन केन्द्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा श्री एसके महांती आईजीपी ओडिशा सेक्टर को निर्देश क्रमे कलाहांडी जिला एमरामपुर ब्लॉक मोहनगिरी ग्राम पंचायत स्थित 64 बटालियन सीआरपीएफ जवानों पक्षर श्री विप्लव सरकार 64 बटालियन कमांडेंट श्री सूर्यकांत मिश्र डीसी कमांडेंट मोहनगिरी इंस्पेक्टर जीडी मदन सिंह उपस्थित रही मोहनगिरी पंचायत अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सालय डिग्री कॉलेज मोहनगिरी गाँव मध्य सीआरपीएफ ई 64 बटालियन तरफ पानी टांकी 500 लिटर बाला 6 गोटी एक्वागार्ड 6 गोटी वितरण करने मोहनगिरी ग्राम पंचायत निर्गम अंचल जो बिजुली व्यवस्था ना से ही ग्राम से 64 सीआरपीएफ बटालियन तरफ तीनोटी सोलार लाइट लग जा ए 64 सीआरपीएफ का एभली कार्यक्रम को मोहनगिरी सरपंच एवं मोहनगिरी ग्रामवासी तथा बुद्धिजीवी महल रे सीआरपीएफ मानक प्रति प्रशंसार छुआ छि। मैं सूर्यकांत मिश्रा उप कमांडेंट 64 बटालियन सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का प्रोग्राम हम भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं श्री एस के महंती आईजीपी उड़ीसा सेक्टर के निर्देशानुसार कालाहांडी जिला के मोहनगिरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 64 बटालियन की तरफ से वाटर प्योरीफायर एवं इसकी सहायक सारी एसेसरी साथ फिट करके दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग मोहनगिरी में 3 जगह और अन्य जगहों पे और कालाहांडी जिला के कुल 15 स्थानों पर सोलर सिस्टम जिन स्थानों पर लाइट नहीं है वो उन गांवों में उजाला के लिए दे रहे हैं। चूँकि कालाहांडी जिला उड़ीसा राज्य का एक पिछड़ा जिला है, यहाँ पर नक्सल का भी काफ़ी प्रभाव है। यहाँ की जनता एवं पुलिस के बीच अच्छे संबंध को बनाने के लिए हम लोग समय समय पर इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। पिछले साल भी कोरोना से प्रभावित समय में कोविड-19 के कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे मास्क और हाइजीन सैनिटेशन के बहुत सामान वितरित किए थे। मैं मोहनगिरी ग्राम पंचायत सरपंच मोरना बलभद्र पात्र आज आम मोहनगिरी 64 बटालियन सीआरपी तरफ आमर जी कलाहांडी आम कमांडिंग ऑफिसर तथा आम मदन सिंह साहेब और अन्न्य सीआरपी समस्त उपस्थित रे आज मोहनगिरी बड़ापड़ा खाते सोलार लाइट सीआरपी कैंप तरफ दि जाइए। मेडिकल रे ये जेनटा कि हाँ एक्वागार्ड दि जाइए आमर कमांड आमर सीआरपी कैंप पछपटे गोटे सोलार लाइट दि जाइए आ गए कॉलेज रे आमर सोलार लाइट दि जाइए एम तीन आमर सोलार लाइट रविकांत बेहरा समाज विज्ञान अध्यापक धवलेश्वर बस्ती कॉलेज मोहनगिरी सर जहाँ भी हो मोहनगिरी 64 बटालियन तरफ आमको एक्वागार्ड दि जाइए तेनालीराम पाने पी पारे जेहेतु बहुत सुविधा है जदि आम कॉलेज गोटे अच्छे एक्वागार्ड ता पर्याप्त भाव में समस्त पाई सुविधा नहीं होती एणु आज्ञा जो महत उद्देश्य जे जहाँ कि पाँ गोटे उत्सर्गीकृत कराई एथपी मुझे साधुवाद देवी 64 बटालियन डीजी मदन सिंह 64 बटालियन मोहनगिरी मैं तैनात हूँ जो कि हमारे ज्ञान विद्यालय की तरफ से आर ओ कैंटर और सोलर लाइट और श्री आई जी एस के महंती साहब की तरफ से और हमारे श्री कमांडेंट महोदय
श्री विपुल सरकार साहब और डिप्टी कमांडेंट एस के मिश्रा साहब जो भवानीपटना में बैठते हैं, उनके नेतृत्व में जो आज सिविल एक्शन प्रोग्राम का किया गया है, जिसमें 6 आरोपण लगाए गए हैं मौनगिरी में, जो स्कूल, मजाजगार और अपने हॉस्पिटल में लगाए गए हैं, और 3 सोलर लाइट भी गाँव में लगाई गई है, जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, वो लाइट का आनंद ले सकें। और जो हमने आरोपण स्कूलों में लगाए हैं जहाँ जहाँ, वो भी अपना पानी का भरपूर मजा ले सकें। जो भी हमारे समय समय पर सरकार की तरफ से, खरगोट की तरफ से निर्देश आता है प्रोग्राम करने का, उसमें हम बढ़ कर प्रोग्राम करते हैं और इन पब्लिक के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कोविड-19 में भी हमने राशन काफ़ी गरीब लोगों में, गाँव में, पहाड़ियों में बांटा और उनके साथ काफ़ी सहयोग दिया, और इनसे कदम मिलाकर चलते हैं इनके साथ, और इनके साथ और भी खुश दिल से रहने का मौका मिलता है और समय समय पर हमारे को भी ये काम आते हैं। धन्यवाद। कलाहांडी जिला स्वतंत्र प्रतिनिधि सरोज साहू सह मनोज कुमार साहू का रिपोर्ट, एक न्यूज। We'll be right back.